रिसेप्शन पार्टी में शामिल सारे सज्जन मेहमानों के परिवार वालों डायरेक्ट कोई भी शगन नहीं लिया जाएगा और इस साइड से गोलक लगाई गई है, बहुत बड़ा उपराला किया गया है। इस उपराले के जिन्ना भी तुम शगन उस गोलक में पाओगे सारा शगन दिल्ली के शामिल जो किसान ने उन्होंने जो हैल्प वास्ते उन्होंने लिए जो उसे लंगर लगाया जा रहा उन्होंने जो कोई उसे ठंड बैठे ने कपड़े दिए जा रहे हैं किसी भी तरह की जो उन्होंने हैल्प दी जा रही है वह सारी हैल्प के सारा शगन का पैसा लगाया जाएगा। हमारा ये विचार था भी दाय दहेज से हटकर कुछ अच्छा किया जाए, इसलिए हमने ये किया। हम सबकी लड़ाई है, हम सबको किसानों को एकजुट होकर अच्छे से करना चाहिए और जिससे हमको आगे जाके मतलब तंगियों का सामना ना करना पड़े। आपके माइंड में कैसे आया कि जो गोलक है वो रखी जाए, जो शगन होता है बच्चों के लिए इकट्ठा होता है वो गोलक में इकट्ठा किया जाए और उस शगन को किसानी संगठन, ये कैसे आपके दिमाग में कैसे आए? मतलब ये हमारे परिवार ने सबने सोचा भी हमारे घर खुशी का माहौल है और वहाँ पे दिल्ली किसान हमारी खातर ही हमारे बुजुर्ग और बच्चे बैठे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, इसलिए हमने ये जो भी शगन था वो दिल्ली भेजने का फैसला किया। सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि मतलब जो लोग आज दिल्ली बॉर्डर पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं आप सिर्फ यही ना मान के चलिए कि वही लोग इसके समर्थन में हैं, आज घर घर में इसका समर्थन है, तो सरकार को ये थोड़ा समझना चाहिए कि मतलब जो आज ये परेशानी आ रही है और सर्दियों के दिनों में जो आप पानी की बौछार किसान के ऊपर कर रहे हो ये सरासर ताना चाहिए और ये बहुत गलत रवैया सरकार का।